अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे माश की दाल के दही बड़े। तो मैंने 1 कप माश की दाल ली है और आधा कप मैंने मूंग की दाल ली है, और उसमें एक हरी मिर्च और एक अदरक डाल के इसको पीस लिया था। 8 घंटे के लिए मैंने सोक किया था इसको और भिगो दिया था, और उसके बाद हरी मिर्च और अदरक डाल के इसको पीस लिया था। और फिर इसके बाद इसमें मैंने डाला था नमक और सोडा। सोडा आपको 1/2 टीस्पून डालना है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है उसके बाद। और इसके बाद आप इसको फेंट लें, तकरीबन 10 मिनट तक आप इसको ऐसे ही चमचे से फेंटते रहें। जब ये बिल्कुल फ्लफ़ी और अच्छा सा हो जाए तो फिर आप इसको फ्राई कर लें। फ्राई करने के बाद अगर आपको फ़ौरन बनाना है तो आप इसको पानी में सोक कर लें, और उसके बाद आप इसको दही में बना लें। और अगर आपको उसको फ्रीज़ करने हैं तो आप इसको पैक जब ये ठंडे हो जाएं तो उसको पैकेट बना के फ्रीज़ कर लें। अच्छा, मैं आपको ये फ्राई हो रहे हैं इतनी देर में मैं आपको दही का भी बता देती हूँ। जब भी कभी बनाऊँगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, लेकिन ज़बानी मैं आपको बताती हूँ कि 1 प्याला आप दही ले लें भर के, उसमें चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, और उसमें 100 ml के करीब दूध डाल दें और उसको फेंट लें अच्छे से। और जब वो लिक्विड तैयार हो जाए तो ये सोख किए हुए माश की दाल के दही बड़े आप उसमें डाल दें, और आपके माश की दाल के दही बड़े तैयार हो जाएंगे। ऊपर से आप उस पर इमली की चटनी और हरी चटनी डाल के उसको डेकोरेट कर लें चाट मसाले के साथ। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह।